हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर इंटीरियर डिज़ाइनर। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सॉफ्टवेयर सीखें या सॉफ्टवेयर ना सीखें। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर सीखना कितना इम्पॉर्टेंट है। सी, इंटीरियर डिज़ाइनर का काम होता है कि वो अपनी इमेजिनेशन को अपने क्लाइंट को समझा सके, जो कि पेपर वर्क पे समझाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर आप सिर्फ लोअर लेवल पे काम करते हैं, एक टायर 3 सिटी में या नॉन मेट्रो सिटी में जॉब कर रहे हैं या फिर अपना खुद का फर्म वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यू कैन सर्वाइव विदाउट सॉफ्टवेयर। बट इफ़ यू वॉन्ट टू प्लान टू ज्वाइन अ मल्टीनेशनल कंपनी और टू ज्वाइन अ आर्किटेक्ट फर्म and work in interior designing, so definitely without software you cannot survive. और अगर आज survive कर भी लेंगे तो future में तो definitely survive नहीं कर सकते। So actually software करते क्या हैं? Software आपको एक alternative provide करते हैं, आपको और आपकी audience को कैसे connect करना है। मतलब आप जो imagine कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि कैसा आपका bedroom दिखेगा, कैसा kitchen दिखेगा, कैसा आपका ऑफिस का लुक आएगा, किस तरह का इंटीरियर होगा, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने क्लाइंट को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, इजीली समझा सकते हैं कि किस तरह से वो जो पूरा ऑरा है उस इंटीरियर का, हाउ इट्स लुक लाइक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लाइंट के लिए समझना कि जिस चीज के लिए वो इतना पैसा लगा रहा है वो एग्जैक्टली बनने के बाद दिखने कैसे वाला है। और एज एन इंटीरियर डिजाइनर ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका विजन है उसको सिस्टमैटिकली आप अरेंज कर पाएं। जैसे अगर लेट सपोज आप एक बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं, कमर्शियल साइट डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको भी वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा मटेरियल आपको यूज करना है। अगर आप उस मटेरियल के साथ एक वॉल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन को अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसका एक जो लुक है, जो एक फाइनल आउटपुट है, वो किस तरह का निकल करके आएगा। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आप तभी कर सकते हैं इफ इन केस अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सॉफ्टवेयर एज एन इंटीरियर डिजाइनर आपको सीखने चाहिए। सो डेफिनेटली नंबर वन पर आता है ऑटोकैड, बिकॉज अगर आप जो भी प्लानिंग करते हैं उसके लिए आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो इजी टू यूज हो, एक बिल्कुल इजी सा इंटरफेस हो, और आप जो भी चीजें सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, उसको सिस्टमैटिकली आप वहां पर ड्रॉ कर सकें विद 100% एक्यूरेसी। तो इसके लिए अभी मार्केट में वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, बट मार्केट लीडिंग जो प्रोग्राम है वो है ऑटोकैड, बिकॉज इसके बेसिस पे आपको जॉब भी बहुत इजीली मिल जाती है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपने इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है बट आपको वो सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बट अगर आपने ऐसे प्रोग्राम्स किए जिनकी मार्केट डिमांड भी है, तो उसके बेसिस पे आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। तो पहले नंबर पर आता है ऑटोकैड, जिसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं, एलिवेशन बना सकते हैं, आप वहां पे डायमेंशंस बता सकते हैं, सभी तरह की जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं अपनी शीट के ऊपर बराबर 100% एक्यूरेसी के साथ आप प्लान कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि 3D डिजाइनिंग के लिए आपको कौन सा प्रोग्राम करना चाहिए। अब यहां पे हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अगर आप एक लाइट कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए स्केचअप बेस्ट प्रोग्राम है, और अगर आपके पास एक अच्छी खासी हैवी मशीन है तो आपके लिए 3ds Max बेस्ट प्रोग्राम है। और अगर आप टू लर्न समथिंग न्यू इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि कुछ नया डिटेल में आप चीजों को सीखना चाहते हैं, वो कंपैशन कंपेनियन आप रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको दोनों प्रोग्राम सीखने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत प्रोग्राम होते हैं, बट ये मिनिमम पोर्टफोलियो मैं आपको बता रहा हूं, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। स्केचअप आपको फ्रीडम देता है कि आप बहुत ही लो कॉन्फिग्रेशन के साथ किस तरह से बहुत ही फास्ट मॉडलिंग कर सकते हैं, बहुत तेजी से आप एक मटेरियल जो ऑनलाइन मटेरियल डाउनलोड करना हो, अप्लाई करना हो, ऑफलाइन लाइब्रेरी आपको यूज करना हो, और साथ में आपको प्री डिफाइंड लाइब्रेरी भी मिल जाती है वेयर हाउस के थ्रू, जो कि जिसमें लाखों कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोजर है। और इसके साथ जो सबसे ज्यादा बड़ी बात जो फेवर में जाती है स्केचअप के, वो है इसका एक्सटेंशन एक्सपोजर। मतलब आप कितने भी एक्सटेंशन, हजारों एक्सटेंशन है स्केचअप के लिए, जिसमें छोटी छोटी चीजें, फीचर्स और फ्रीडम आपको मिलती हैं, आप बहुत तेजी से अपना प्रोडक्टिव वर्क एनहांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज एक्सटेंशंस। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग स्केचअप को सिर्फ उतना समझते हैं जितने उसमें स्टैंडर्ड टूल्स आते हैं, जो इंटरफेस में नजर आते हैं, बट दैट इज नॉट स्केचअप एट ऑल।
वो उसका एक बेसिक वर्जन है। जैसे एक गाड़ी होती है जिसका एक बेसिक वर्जन आता है, लेट सपोज हम यहाँ पे स्विफ्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, उसका एक बेसिक वर्जन आता है जिसके अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, और उसी का टॉप मॉडल आता है जिसमें आपको सारी लग्जरी फीचर्स मिलते हैं, इंफोटेनमेंट और जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलती हैं। तो सेम आप स्केचअप में जा सकते हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं, इसमें प्रोफेशनल भी मिलेगा, एजुकेशनल वर्जन भी मिलेगा, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे यूज करें, और एक्सटेंशन और प्लगइन के साथ आप उसे और ज्यादा फीचरिस्टिक बना सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। नाउ फाइनली 3ds Max। अब 3ds Max क्यों सीखना चाहिए, या कौन सा प्रोग्राम बेहतर है, 3ds Max या SketchUp? तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि SketchUp अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, फास्ट मॉडलिंग करना है आप SketchUp पे जाइए, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग करना है, आपको मैशेज के अंदर डील करना है, आप अपनी इमेजिनेशन से चीजों को, इफ यू हैव सच काइंड ऑफ इमेजिनेशन कि आप कुछ क्रिएटिव सोच पाते हैं, तो आपके लिए 3ds Max बेस्ट एप्लीकेशन हो सकता है, बिकॉज उसके अंदर आपको एडिटेबल का कॉन्सेप्ट मिल जाता है, स्प्लाइन का कॉन्सेप्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप काफी क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं। सो इफ यू आर वर्किंग विद द कॉम्प्लेक्स थिंग्स, देन 3ds Max is for you. Parallelly, अगर आप एनिमेशन में भी काम करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स मटीरियल खुद से आप बहुत सारे मटीरियल्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको मटीरियल इंजन, लाइटिंग इंजन, इस तरह की चीजें मिल जाती हैं जिसमें आप सेल्फ वर्क बहुत ज्यादा कर सकते हैं, सेल्फ एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप 3ds Max सोच रहे हैं, उस लेवल की क्रिएटिविटी आपके पास है, अच्छी मशीन है, then go for 3ds Max. और अगर ये तीनों प्रोग्राम आपको अच्छे से आते हैं, तो फोर्थ पिलर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग। सिर्फ सॉफ्टवेयर अगर आपने सीख लिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सिर्फ कहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, यू विल बिकम एन इंटीरियर डिजाइनर, सो दैट्स नॉट राइट एट ऑल, बिकॉज सॉफ्टवेयर सीखना एक अलग चीज है, सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना वो एक अलग एक्सपोजर है, बट थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक चीज के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको कर्टेन्स के बारे में पता होना चाहिए, क्लोथ के डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं, अगर आप फ्लोरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो कितने तरह के फ्लोरिंग के मटेरियल्स होते हैं, कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल, क्या कॉम्बिनेशन हमें वहां पे डिजाइन करना चाहिए, तो आपको वहां पे शाइनिंग मटेरियल लेना है या रफ मटेरियल लेना है, या फिर सेम अगर आप वॉल के ऊपर काम कर रहे हो तो वॉल में किस तरह का डिजाइन होना चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो कलर कौन कौन से कलर का कॉम्बिनेशन आप अरेंज कर सकते हैं साथ में, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ में आप अगर सीलिंग पे काम कर रहे हो तो सीलिंग और वॉल के बीच में कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, दैट मींस डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द कॉम्बिनेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर के अंदर आप सॉफ्टवेयर के कमांड्स तो सीख जाएंगे, जो कि मोस्टली लोगों को लगता है कि कमांड आ गई दैट मींस आई एम परफेक्ट और आई एम नाउ बिकम इंटीरियर डिजाइनर, दैट्स नॉट राइट, बिकॉज वहां पे जब आप प्रैक्टिकली साइट पे जाएंगे ना, जब आप क्लाइंट से वन टू वन डील करेंगे, आप फेल हो जाएंगे, यू विल फील अंडर कॉन्फिडेंट, आपको लगेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम तभी आती है जब आपके बेसिक फंडामेंटल्स प्रॉब्लम है, मतलब आपको वास्तु के बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो आपसे मांगते हैं कि सर प्लान वास्तु के अकॉर्डिंग चाहिए मुझे, इंटीरियर वास्तु के अकॉर्डिंग चाहिए मुझे, तो आपको उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, साथ में कलर कॉम्बिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए, मटेरियल, इवन लाइटिंग, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इंटीरियर पे काम कर रहे हैं तो सीलिंग पे आपको कौन सी लाइट यूज करनी है, आप वॉल के ऊपर यूज कर रहे हैं तो कौन सी लाइट यूज करनी है, अगर आप माहौल को कूल एंड काम बनाना चाहते हैं तो किस तरह की लाइटिंग आपको यूज करनी है, कमर्शियल एनवायरमेंट है, रेजिडेंशियल है, एक्सटीरियर है, सबके लिए अलग अलग लाइट्स आती हैं, बट जनरली अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो आपको इसके बारे में कोई एक्सपोजर नहीं होगा, बस आपको पता है पॉइंट लाइट्स लगानी है, दो तीन तरह की लाइट्स पता होता है, तो उससे आपको सबसे ज्यादा चैलेंज तब फील करना पड़ता है जब आप मार्केट में उतरते हैं, जब आप जॉब के लिए जाते हैं, जब आप क्लाइंट से वन टू वन होते हैं। तो अगर आप भी इस तरह के ट्रैप में हैं तो प्लीज ट्राई टू लर्न दोज थिंग्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप एक्सटीरियर पे आते हैं तो एलिवेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग में डील करते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको बाउंड्री वॉल पे काम करना है, आपको सराउंडिंग्स पे डिजाइन करना है, आपको उसका एनवायरमेंट, बिकॉज इंटीरियर में भी काम कर रहे हैं तो सनलाइट आ रहा है नहीं आ रहा है प्रॉपर, इस तरह की बेसिक चीजों पे आपको नॉलेज होना
बहुत जरूरी है। और सबसे लास्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कंपोनेंट प्लेसमेंट। अगर आपको प्लानिंग आती है, डेफिनेटली आपने प्लानिंग पे काम कर लिया, अब एज एन इंटीरियर डिजाइनर आपको एक एक चीज की कंपोनेंट प्लेसमेंट के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनकी डायरेक्शंस के बारे में, कंपोनेंट के बिहेवियर के बारे में, कलर कॉम्बिनेशंस को लेकर के। तो जब आप इन सब चीजों में डिटेल में काम करते हैं, देन ओनली यू कैन यूज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको ये सब आता है तो ही सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो वो आपके लिए एक यूटिलिटी है। अदरवाइज एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो मेक श्योर आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए, और जो चीज आपको लगता है कि अभी सीखना है उसे जरूर सीख लीजिए प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जाने से पहले या जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले। पूरी तरह से स्किल्ड हो जाइए, उसके बाद आप जॉब के लिए फेस कीजिए, उसके बाद आप इंटर्नशिप पे जाइए, उसके बाद आप अपना खुद का बिजनेस कीजिए। और इसे सीखना कैसे है, तो पीटीएस कैड एक्सपर्ट के ऊपर हम 850 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं सॉफ्टवेयर पे, आप सॉफ्टवेयर पे डिटेल में सीखिए। अभी हम इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर पूरी एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें एक एक चीज के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिटेल में बताएंगे। तो यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब चीजें आप डिटेल में सीखने वाले हैं यहाँ पे। और अगर आप 1-to-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो पीटीएस कैड एक्सपर्ट का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आप 1-to-1 डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ, अगर सर्वे सीखना है, स्ट्रक्चर सीखना है, इंटीरियर सीखना है, डिजाइनिंग सीखना है, BIM सीखना है, 1-to-1 आप लाइव ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं विद मोबाइल एप्लीकेशन। सो एज एन इंटीरियर डिजाइनर आपको इन सब चीजों पे काम करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप पीटीएस कैड एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जल्दी मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।